हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप, हमारे यूट्यूब चैनल टेक माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए फिर 25 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड और ले आया हूं। ऐसे ही नए नए वीडियोस और बनाता रहूंगा ताकि आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप नया कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। चलिए आज हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा, कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही खालिस्तान होगी। इसमें सही आंसर होगा अधिक। देखिए, कंप्यूटर में डेटा है जितने अधिक ज़्यादा जितने ज़्यादा बिट का होता है, डेटा की स्पीड यानी कंप्यूटर की स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गति के आधार पर मेमोरी का अवरोही क्रम क्या होगा, यानी सबसे अधिक गति फिर उसके बाद कम की बतानी है। इसमें सही आंसर होगा रजिस्टर मेमोरी। देखिए, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। सीपीयू के बाहर सबसे तेज गति की मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं, और मेन मेमोरी में रैम और रोम आते हैं, और एक्सिलरी मेमोरी है जो सहायक मेमोरी कहलाती है, जैसे हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये सब एक्सिलरी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्ड डिस्क को ट्रैक तथा सेक्टर में विभाजित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डिवाइडिंग, फॉर्मेटिंग, एट्रीब्यूटिंग, असेंबलिंग। सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से रैम का प्रकार है, एस रैम, सी रैम, डी रैम, ए एंड सी। सही आंसर होगा ए एंड सी। देखिए, एस रैम और डी रैम है वो रैम के प्रकार होते हैं। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम यानी स्थिर मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम यानी गतिशील मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैम को मदरबोर्ड पर कहाँ लगाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, सीरियल पोर्ट है, सिम्स है, पैरेलल पोर्ट है, PS2 पोर्ट है। सही आंसर होगा सिम्स। सिम्स की फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से स्टोरेज मीडिया में कौन सा केवल क्रमिक अक्षेस को तर्कसंगत रूप में रखता है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। सही आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। देखिए, क्रम की बात हो रही है, यदि क्रम की बात होती है तो हमेशा मैग्नेटिक टेप ही होती है। बाकी सारी जो डिवाइस होती है वो डायरेक्ट अक्सेसियल डिवाइस होती है, और मैग्नेटिक टेप होती है वो सिक्वेंशियल अक्सेस डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती है, ऑप्शन देखते हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी। सही आंसर होगा एक्सिलरी मेमोरी। देखिए, रैम, रोम और कैश मेमोरी है वो सीपीयू से रिलेटेड है, और एक्सिलरी मेमोरी है वो सहायक मेमोरी है जो कि एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ऑप्शन देखते हैं, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, यह विस्तृत ताप -50 डिग्री सेंटीग्रेड से +85 डिग्री सेंटीग्रेड के में कार्य कर सकता है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है, यह कम शक्ति का उपयोग करता है। सही आंसर होगा विस्तृत ताप परास, यानी यह ऑप्शन है ये रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी हैं वो फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिक त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे कहा जाता है, स्कैन डिस्क, चेक डिस्क, डिस्क डायरेक्टरी, हेल्प डिस्क। सही आंसर होगा स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क के द्वारा कंप्यूटर में जो भी त्रुटि होती है उसको पता कर लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसी को ठीक कर लिया जाता है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिन्हें मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, उनमें डाटा शीघ्र ही कॉल किया जाता है क्योंकि वे टेप स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज महंगा होता है, या फिर रैंडम एक्सेस मीडियम होता है, रीड ओनली मीडियम होता है, और सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। इसका सही आंसर होगा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। देखिए, कुछ एप्लीकेशन होती है डाटा को डायरेक्ट एक्सेस करती है, परंतु जो मैग्नेटिक टेप होती है वो सिक्वेंस यानी क्रम की प्रधानता वाली होती है, उसमें डायरेक्ट एक्सेस करना नामुमकिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैश मेमोरी का नाम है बफर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी। सही आंसर होगा सेकेंड, बफर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है, रोम के अंदर निम्न में से किस प्रकार का डेटा होता है, सही आंसर होगा बायोस। रोम में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, सही आंसर होगा डायनामिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीनतम विकास किसका हुआ है, यानी सबसे लास्ट में जो डिस्क आई है वो कौन सी है, सही आंसर होगा ब्लू रे डिस्क। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क है और मैग्नेटिक डिस्क है वो पहले ही आ चुकी हैं, और HDMI ये एक पोर्ट होता है, ये कोई डिस्क नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर टेक्निक। सही आंसर होगा लेजर टेक्निक। देखिए, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसके अंदर प्रकाशीय विधि का उपयोग होता है, प्रकाशीय विधि को भी लेजर टेक्निक के नाम से जाना जाता है। UPS का मुख्य कार्य है बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के पोर्शन के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डेटा लेता है, उसे क्या कहते हैं, सही आंसर होगा इनपुट। देखिए, यह क्वेश्चन है SBI 2009 और UPSC 2011 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किस माध्यम से ट्रेवल करती है, सही आंसर होगा बसेस। देखिए, बसेस क्या होती हैं, ये मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा होता है, जो संकेत होते हैं, वो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अनुदेशकों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सही है? सीरियल पोर्ट, डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए, पैरेलल पोर्ट डाटा को समांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए, ऑडियो जैक हेडफोन स्पीकर या माइक को जोड़ने के लिए, यूएसबी या किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए, और 5 नंबर पे है ऑल सभी। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सभी। ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया है कि ताकि आपको ये सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक और यूएसबी के बारे में बताया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है? सही आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए एसएमपीएस क्या करता है, जो एसी बिजली आती है यानी अल्टरनेटिव करंट आता है उसको डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएफडी से क्या तात्पर्य है? सही आंसर होगा डाटा फ्लो डायग्राम। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाता रहूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।